Hello everyone, Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. आज मेरे पास कुछ राइस बच गए थे तो मुझे लगा कि इसका मैं क्या बनाऊँ. तो बहुत सोचते सोचते तो मुझे एक रेसिपी समझ में आई, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ. तो आज की मेरी रेसिपी है राइस कटलेट, जो कि जैसे अगर कुछ राइस कभी कभी क्या होता है, मोस्टली हमारे घर में अगर हम राइस बना रहे हैं कुछ भी तो थोड़ा बहुत तो बच जाता है, तो हमें लगता है इसका कैसे यूज़ करें. और ये तो आप इस तरीके से कटलेट बनाएं और काफ़ी अच्छा कटलेट बनता है. तो ये शुरू करते हैं राइस कटलेट बनाना. राइस कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट नोट करते हैं. ये हमारे पास कुक्ड राइस है जो कि हमने 1 बाउल लिया है. ये हमने बॉयल्ड पोटैटो है 2 मीडियम साइज़ के, जिसे हमने ऐसे कट कर लिया है. ये हमने बेसन लिया है 2 बड़े टेबल स्पून. ये है कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये हमने चाट मसाला लिया हुआ है. ये चाट मसाला लिया हुआ है. ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालें. और ये हमने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. ये कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन चिली हमने लिया है, और ग्रेटेड ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है. तो आइए शुरू करते हैं हम राइस कटलेट बनाना. यह है धनिया, ग्रीन चिली और एक ग्रेटेड हमने अदरक कुछ लिए हुए थे. तो सभी को ऐसे इसमें मिक्स कर लेंगे. इसमें ऐसे जो है सबसे पहले आप राइस डाल लें. फिर ये जो पोटैटो है उसको भी आप डाल लें. बेसन जो थे उनको हम डाल लें. ये जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है चाट मसाला. ये सॉल्ट आप जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें. अब ये सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब ये स्पून से तो मिक्स होने से रहा, तो इसके लिए हम अपना हाथ यूज़ करेंगे. अब अपना हाथ क्लीन रखें और इसको अच्छे से मिक्स करें. अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप पोटैटो को ऐसे थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे तो इतना आपको शायद मेहनत नहीं करना पड़ेगा. मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा. देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे मैश करेंगे. बिना हाथ यूज़ किए हमें नहीं लगता है कि ये अच्छे तरीके से मैश होगा, तो आपको हाथ का यूज़ तो करना ही पड़ेगा. उसको चीनी के आलू के टुकड़े बचे हुए हैं, इसको भी हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे. आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लिया है. और आप ऐसे इसको बना के देख लें, ये बॉल की तरह ऐसे बन जाना चाहिए. अब देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बन जा रहा है. तो देखिए बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है. तो आइए शुरू करते हैं. तो थोड़ा सा ऑयल को आप ऐसे हाथों में ऐसे ले लें, ऐसे ग्रीस कर लें. और ये हम लेंगे एक छोटा बॉल का वो, ऐसे इसको स्मूथ कर लेंगे. आप देख सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा साइज भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. इसको ऐसे लेके इसको थोड़ा राउंड बनाएंगे. और ये देखिए ऐसे इसका थोड़ा सा ऑयल लेके इसको स्मूथ कर लेंगे. देख सकते हैं आप, मेरा हाथ भी पीला हो गया है हल्दी के कारण. तो ये है, ऐसे ही हम सारे कटलेट ऐसे तैयार कर लेंगे फटाफट फटाफट. मैं अब दोनों हाथों का यूज़ करूँगी जिससे थोड़ा फटाफट बने. ये देखिए एक बार में मैंने 2 कटलेट बनाया. ऐसे आप कर लें, और इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें. ये देखिए अभी थोड़ा जल्दी बन जाएगा. इसको स्मूथ कर लें. फिर मैं 2
राइस कटलेट एक साथ बनाऊंगी। आप ये देखिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे ऐसे। अब इसको एक साइड में रखते हैं, दूसरे को इस तरीके से। और ये मेरा रहा लास्ट कटलेट, और मेरा कटलेट बन के तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, अभी इसे फ्राई करना है हमें। लास्ट में ये थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही बचा हुआ था। ये देख लें आप, ये हो गए कटलेट बन के तैयार। ये देखिए सारे कटलेट हमने बना लिए हैं एक साथ, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्राई करना। चलिए, पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अभी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें अपने कटलेट्स डालेंगे। देखिए, अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे डाल दें, इन कटलेट्स को हमें ऐसे पलटना है तो हमारे पास स्पेस थोड़ा होना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से मतलब इजीली उसे पलट सकें। ये देखिए, अभी मैं स्पून का यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे पलटना थोड़ा मुश्किल होगा। ये हम स्पून से इसको इजली एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा अभी एक साइड से होने लगा, ये रेड हो चुका है। तो हम इसे एक एक करके सारे कटलेट्स को ऐसे पलट देंगे। देखिए रेड हो गए हैं ये। इसको फ्लेम को इसको हम लो रखेंगे, जिससे कटलेट्स अच्छे तरीके से अंदर तक हो जाए। देखिए मैंने सारे कटलेट्स को पलट दिए हैं। इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मीडियम फ्लेम पे रखते हैं। ये जो कटलेट्स हैं, बाहर से ये थोड़े कुरकुरे रहेंगे और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट नरम रहते हैं। तो काफ़ी आसान रेसिपी है। जब भी आपके पास बचे राइस हों और आपको इसे ऐसे इवनिंग स्नैक्स में या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे बनाना है, तो टी के साथ या चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए काफ़ी क्रिस्पी ये बन रहा है कटलेट्स। मैं फिर से एक बार दूसरी साइड में सारे को पलट रही हूँ, जिससे हमारे कटलेट्स अच्छे तरीके से हो जाएं दोनों ही साइड से। देख सकते हैं ये देखिए, हमारे कटलेट्स दोनों ही साइड से अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। हमने इसको पेपर टॉवल पे निकाल लिया है, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए इसको ऐसे निकाल देते हैं। जब ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। राइस कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है, इसको मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।